हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएड एग्जाम के लिए पेपर फर्स्ट के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर, जो कि पेपर फर्स्ट में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करेंगे दोस्तों, जो पेपर फर्स्ट से आने की 99% तक चांसेस है। ठीक है दोस्तों, तो पेपर फर्स्ट में से हम जब तैयारी करते हैं डीएड एग्जाम की, हमें समझ नहीं आता कि हम क्या पढ़ें और कौन सा आ सकता है, तो दोस्तों आज हम इसी पर बात करेंगे कि आपका पेपर फर्स्ट से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आएंगे, या किन में से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और कौन से ऐसे यूनिट है जिसमें से पूरा पेपर का निचोड़ आएगा। ठीक है दोस्तों, तो उस पर बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो अगर अभी तक नहीं करा है। दोस्तों इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए इजी से इजी वे ढूंढ रहे हैं कि आपको डीएड एग्जाम में अच्छे से पास हो जाओ, अच्छे नंबरों से पास हो दोस्तों। तो बहुत ही ज्यादा इजी मेथड आपको बताएंगे हम पेपर फर्स्ट की तैयारी आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट की तैयारी में हम क्या करेंगे, यूनिट वाइज किस तरीके से हम उसको तैयार कर सकते हैं, कैसे ही पेपर फर्स्ट की हम तैयारी करें एग्जाम के लिए, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम पढ़े और भी टॉपिक हमारे आए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमने कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि पेपर फर्स्ट में हमारा क्या क्या आएगा, पेपर फर्स्ट में दोस्तों देखिए 5 यूनिट्स है, 5 यूनिट में से क्योंकि ये हमारा फाइनल एग्जाम है, तो फाइनल एग्जाम में दोस्तों देखिए कि कौन कौन से आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 5 यूनिट से कुछ ना कुछ ऐसे इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आते हैं, जैसे कि फर्स्ट यूनिट में दे रखा है दोस्तों हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको क्या बताना है, दिव्यांगता का इतिहास के बारे में बताना है। ठीक है, उसको क्या है, उससे आप क्या समझते हैं, ये सारी चीजें बतानी है दोस्तों। पेपर यूनिट फर्स्ट में से आएगा। दूसरा आएगा इंपोर्टेंट है डेफिनेशन एंड कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी एज पर एज नेशनल लॉस के, नेशनल लॉस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो नेशनल ट्रस्ट हमने आपको कराया था एनटी के अकॉर्डिंग, कौन सी डिसेबिलिटी है उनकी कैटेगरी, और आप कह रहे हैं कि डेफिनेशन, तो आपको पता है दोस्तों 4 डिसेबिलिटी है, कौन कौन सी है, आईडी है, ऑटिज्म है, सेरेब्रल पॉलिसी है, मल्टीपल डिसेबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद होना चाहिए कौन कौन सी है, तो उनके अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन वगैरह, और ये मैंने आपको करा दिया है। यूनिट में जाइए आप, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर आपको पेपर फर्स्ट में आप जाइए, जितना भी मैं आपको आज बताऊंगी सारा सब कुछ मैंने आपको करा रखा है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग अपने पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो और फिर मेरे चैनल पर जाकर अगर आप प्लेलिस्ट को देखेंगे, तो प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक्स क्लियर करा रखे हैं जो मैंने यहाँ पर आपको आज बताने वाली हूँ, जो कि डीएड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपको। ठीक है, और यूनिट फर्स्ट में दोस्तों देखिए कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, देखिए कितना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये डीएड एग्जाम के लिए। दोस्तों देखिए आपके एग्जाम में ये हो सकता है, अगर आपसे ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया तो शॉर्ट क्वेश्चन तो आप लिख के ले लीजिए, 110% आपको ये आएगा शॉर्ट में कि प्रिवेंशन कॉजेज एंड इसके दिव्यांगता के क्या क्या कारण है और इसकी रोकथाम। दोस्तों मैंने आपको कॉजेज अभी 10 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया, आप देख सकते हैं, जाके पेपर फर्स्ट में प्लेलिस्ट में भी सेव हो रखी है, उसमें कॉजेज बताए हैं मैंने आपको और प्रिवेंशन भी बताए हैं। ठीक है दोस्तों, उसको देख लीजिएगा। अब आया दोस्तों यूनिट फर्स्ट में से, देखिए दोस्तों ये तीन हमारे जो है यूनिट है, तीन पॉइंट है यूनिट के, जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट ये तीन है। अब तीनों में से अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, या तो इससे बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन या इससे बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसमें से अगर यूनिट फर्स्ट में से बनता है तो आपको ये तीनों टॉपिक्स क्लियर करने हैं। अब बात आई यूनिट टू की, यूनिट टू से आपको क्या क्या आ सकता है दोस्तों, हियरिंग इंपेयरमेंट, विजुअल इंपेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डेफिनेशन एंड टाइप्स, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है और 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं यूनिट टू से दोस्तों। आपको क्या विजुअल इंपेयरमेंट, हियरिंग इंपेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और एएसडी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। दोस्तों एएसडी की तो मैंने वीडियो आपको अलग से ही टॉपिक दे रखा है, ऑटिज्म की अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे या पेपर 8 में जाएंगे आपको एडीएसडी का और ऑटिज्म का सारा मिल जाएगा आपको, और एचआईबीआई पेपर फर्स्ट में भी सेव कर रखी है और अलग से भी इनकी अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो इसमें से आपको डेफिनेशन और इसके टाइप्स देखने हैं। ठीक है,
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और लॉन्ग क्वेश्चन देखिए दोस्तों किसमें मिलेगा ना, अगर आप बीआई से हैं तो आपको बीआई से मिलेगा, एचआई का है आप एचआई से कर रहे हैं डीएड तो एचआई से मिलेगा, अगर आप आईडी, अगर हम बात करें तो हम डीएड आईडी की बात करें, डीएड एससी आईडी की, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से जो लोग डीएड कर रहे हैं दोस्तों उनको आएगा कि बौद्धिक अक्षमता का परिचय, उसका परिचय और परिभाषा और उसके प्रकार, ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपका आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये आपका, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन जहां तक है, एक क्वेश्चन तो इससे बनेगा ही बनेगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपके तीन आएंगे, तीन में से आपको एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और उसमें से आपने लॉन्ग क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करना है जिसके टॉपिक्स ज्यादा बन रहे हो, ठीक है, जैसे जिसमें परिभाषा भी पूछ रहे हैं, उसका अर्थ भी पूछ रहे हैं, परिचय भी पूछ रहे हैं, प्रकार भी पूछ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो जिसमें ज्यादा हमारे टॉपिक्स दिख रहे हैं हमको कि उसमें हम ब्रीफ कर सकते हैं, बहुत ज्यादा विस्तृत करके लिख सकते हैं, तो हम उसको चुनेंगे उस क्वेश्चन को। यूनिट थ्री में से देखिए दोस्तों क्या क्या आ सकता है, क्योंकि दो यूनिट्स में तो हमें पता चल गया, आप इसकी अगर इस तरीके से तैयारी करेंगे ना तो आपका समझ लीजिए आप 80 से अबव 90 तक करेंगे डीएड एग्जाम में। देखिए यूनिट थ्री से क्या है, मेंटल इलनेस डेफिनेशन एंड टाइप्स डिफरेंसेस। मेंटल इलनेस के बारे में पूछेगा आपसे, मानसिक रोग जो है क्या है, और इसमें डेफिनेशन पूछेगा, टाइप्स पूछेगा और डिफरेंसेस पूछ लेगा आपको आईडी से और इलनेस से, मेंटल इलनेस, ठीक है दोस्तों, इन दोनों के डिफरेंसेस पूछ लेगा। हो सकता है आपको लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बन जाइए, तीन लॉन्ग क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है दोस्तों। इसमें से क्या करेगा, मानसिक रोग का परिचय पूछ लेगा आपसे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि मानसिक रोग में तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ शॉर्ट क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसके डिफरेंसेस जरूर पूछ सकता है शॉर्ट में। ये पांच नंबर में ये आ जाएगा, मानसिक रोग और मानसिक मंदता में अंतर बताइए, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप रट लीजिएगा अलग से, पेपर फर्स्ट में आप जाइए या इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी करके एक प्लेलिस्ट बन रखी है, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में देखिए जाके आपको उसमें मिल जाएगा। और इसकी तो मैंने दो वीडियो आपको अपलोड कर दी है, मेंटल इलनेस की और मेंटल रिटार्डेशन की, आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है इसमें दोस्तों यूनिट थ्री में की स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड टाइप्स, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें से आपके शॉर्ट दो क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं, ठीक है दोस्तों। स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज एंड टाइप्स यानी कि जो हमारी अधिगम अक्षमता है, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी हम बोलते हैं दोस्तों, तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में आप प्लेलिस्ट में जाइए, लर्निंग डिसेबिलिटी की प्लेलिस्ट भी आपको बन रखी है और पेपर फर्स्ट में भी आपको देखने को मिलेगी और पेपर एट में भी आपको ये टॉपिक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसमें आप जाकर इसको देख सकते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से कम दो फंसेंगे आपके, ठीक है, और इसमें से हो सकता है आपको लर्निंग डिसेबिलिटी का एक आध फुल फॉर्म भी देखने को मिल जाए, या फिर हम बात करें कि शॉर्ट में भी मिल जाए और लॉन्ग में भी। लॉन्ग में मुश्किल है कि लॉन्ग में आएगा आपका, लेकिन हाँ शॉर्ट में इसका एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, जा नहीं सकता नहीं। फिर है दोस्तों इसमें तीसरा है यूनिट थ्री का लोकोमोटर एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी ऑफ डेफिनेशन एंड टाइप्स, दोस्तों इसमें से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन दो देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट हमारे पांच क्वेश्चन आते हैं और हमने चार करने होते हैं, देख लेना दोस्तों इसमें से, अगर आपको पेपर पूरा बना हुआ ना दिखे तो। इसमें लोकोमोटर और मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी कि हमारी जो गामक अक्षमता है उसके बारे में उसका परिचय पूछेगी, उसके प्रकार पूछेगी, कह रहे हैं डेफिनेशन एंड टाइप्स, उसके प्रकार और परिचय आपको देना है और परिभाषा देनी है। मल्टीपल डिसेबिलिटी बहुविकलांगता, दोस्तों बहुविकलांगता आपको पेपर एट में देखना, जाके पेपर एट में मल्टीपल डिसेबिलिटी की कई सारी वीडियो अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, पेपर एट में मल्टीपल डिसेबिलिटी मिल जाएगी दोस्तों आपको। इसमें देखना आपकी आपको मल्टीपल डिसेबिलिटी के टाइप्स भी मिलेंगे, उसके मैनेजमेंट भी मिलेंगे, उसके कॉजेस भी मिलेंगे, ठीक है दोस्तों, उसमें से देख लीजिए आप। तो हो सकता है ये शॉर्ट में आपके, तो शॉर्ट में से तो चार क्वेश्चन तो आपके ये हो गए, अब आने पांच है तो पांचवा आपका आपसे आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन एक दो तीन हुए ना अभी तक, चार तीन दिए होते हैं, ठीक है। यूनिट फोर में देखिए दोस्तों क्या क्या इंपोर्टेंट है, यूनिट फोर में कॉन्सेप्ट एंड नीड्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन, सॉरी आइडेंटिफिकेशन, तो मतलब कि ये है कि शीघ्र पहचान की आवश्यकता क्या है, शीघ्र पहचान की आवश्यकता, आप जाइए पेपर फर्स्ट में मैंने करा रखा है आपको, आप उसमें देख सकते हैं जाके, ये हो सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिल जाए पांच नंबर में। और फिर स्क्रीनिंग रेफरल हो सकता है आपसे दो नंबर में पूछ रहे, स्क्रीनिंग और रेफरल्स क्या है, या रेफरल्स की परिभाषा दीजिए, स्क्रीन की परिभाषा दीजिए, आपसे पूछ सकता है रेफरल, तो ये भी आपको हो सकते हैं दो नंबर में आपको देखने को मिले, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मॉडल्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन पांच नंबर में आ सकता है, ये
शॉर्ट क्वेश्चन पांच नंबर में आ सकता है, मॉडल्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन यानी कि शीघ्र हस्तक्षेप के प्रतिदर्श। ये मैंने आपको दो दिन पहले वीडियो अपलोड कराई है इस टॉपिक की, आप देख लीजिएगा अगर ना आए दोस्तों। ये पांच नंबर में आ सकता है, ठीक है, या आपको दो नंबर में भी पूछ लेगा कि मॉडल्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन, तब आपको केवल उसके नाम लिखने हैं, सेंटर बेस्ड और होम बेस्ड दो है इसकी प्रतिदर्श, गृह आधारित और केंद्र आधारित। अब आता है यूनिट फाइव, यूनिट फाइव में से क्या आएगा दोस्तों, यूनिट फाइव में से हालांकि इतना अभी कुछ कराया मैंने तो भी कुछ नहीं कराया इसमें, लेकिन हाँ अगर मैं देखूं तो ह्यूमन रिसोर्स एंड डिसेबिलिटी सेक्टर्स को मैं आपको करा ही रही हूँ, कई सारे एक्ट करा रखे हैं दोस्तों, तो आप उसमें देखिए जा देख सकते हैं। इसमें से दोस्तों जो तीन या चार यूनिट फाइव में पॉइंट, जो चार पॉइंट है दोस्तों उनमें से अगर आएगा तो ये दो ही यूनिट आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, रोल ऑफ एनजीओ और ह्यूमन रिसोर्स इन डिसेबिलिटी सेक्टर, ठीक है दोस्तों। इन दोनों में से आपको हो सकता है शॉर्ट में देखने को मिल जाए, लेकिन यूनिट फाइव में से लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा तब भी इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है आप इनमें से, क्योंकि चार क्वेश्चन तीन क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे आपके उनमें से अगर यूनिट वन टू थ्री फोर किसी में से आपको मिल जाए तो आप यूनिट टू भी आपके लिए बहुत अच्छा है, सारा मटेरियल आपको मैंने करा रखा है, यूनिट थ्री का टोटल मटेरियल आपको करा रखा है, ठीक है दोस्तों, यूनिट फोर का भी आपको पूरा करा रखा है, तो इसमें से किसी का भी आप कर सकते हैं दोस्तों। तो इस वे से अगर आप करेंगे ना, इस तरीके से अगर पेपर की तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो पाएगी दोस्तों। एक चीज ध्यान रखना, हमने क्वेश्चन बे चुनने हैं करने के लिए, जो जो हमें आते हैं, और दूसरा जिनको हम अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, जिसके बारे में हम अपने अनुभवों को या अपने विचारों को अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आपने बस ये थोड़ा सा पढ़ा इसके बारे में, अब लर्निंग डिसेबिलिटी में आप कुछ अलग से नहीं लिख सकते, ठीक है, तो आप उन क्वेश्चनों को चुनेंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है आपने इसी यूनिट में से, यानी कि पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन तीन आ रखे तो तीनों में से आपको वो करना है, कि ऐसा भी नहीं होता। कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, जैसे कि अगर हम बात करें कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी का आ गया, तो आप हमने क्या करा शॉर्ट में भी ये क्वेश्चन करा है, अब हमने क्या किया डिसेबिलिटी से रिलेटेड हमने स्पेसिफिक लर्निंग इसमें भी हमने डिसेबिलिटी के रिलेटेड किया है, मतलब पांच क्वेश्चन चार क्वेश्चन हमने शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे कर लिए जो कि हमने डिसेबिलिटी के किए है। अब बात आती है कि तीन क्वेश्चन में से हमें एक क्वेश्चन छांटना है लॉन्ग जो हमने करना है, तो आप जरूरी नहीं है कि जिसको आप करते आ रहे हैं उसको भी कर सकते हैं जो शॉर्ट में है और जो लॉन्ग में भी है, तो लॉन्ग में और अच्छे से आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे से पेपर करना है आपको, अगर इसमें कुछ आपको डाउट लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दो दोस्तों, लाइक कर दो वीडियो को, हर पेपर की तैयारी आपको इसी तरीके से कराई जाएगी, और जो जो जितने भी पेपर है सभी पेपर के इंपोर्टेंस टॉपिक आपको बताए जाएंगे दोस्तों, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।